हेलो गाइस, वेलकम टू बैक मेरी टाइम पवन। सो गाइस, टुडे आई विल डिस्कस अबाउट CCMC कोर्स, दैट मीन्स सर्टिफिकेट कोर्स ऑफ मेरी टाइम कैटरिंग। बहुत से बंदों का कमेंट आ रहा था कि भाई एक CCMC कोर्स के बारे में एक प्रॉपर वीडियो बनाओ, तो मैंने सोचा कि CCMC कोर्स के ऊपर डिस्कस कर लिया जाए। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो देखने के बाद अगर आपके माइंड में कोई डाउट्स रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर पूछें, और डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप हमें वहां भी SMS कर सकते हैं, हम आपका प्रॉपर रिप्लाई करेंगे। तो चलिए, लेट्स फाइंड आउट ऑफ ऑल गाइस, CCMC दैट मीन्स सर्टिफिकेट कोर्स ऑफ मैरीटाइम कैटरिंग, ये 6 मंथ का कैटरिंग कोर्स होता है। सो गाइस, अब हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। सो गाइस, आप 10th पास होने चाहिए विद 40% मार्क्स, एंड आपका इंग्लिश में 40% होना चाहिए, एंड गाइस आपकी एज बिटवीन 18 इयर्स टू 25 इयर्स होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं मेडिकल फिटनेस की। तो मेडिकल फिटनेस में आपका आईसाइट 6x6 होना चाहिए, एंड नो कलर ब्लाइंडनेस, आप कलर ब्लाइंडनेस नहीं होने चाहिए। एंड गाइस, अगर आपको खाना बनाने में इंटरेस्ट है तो आपके लिए ये बेस्ट कोर्स है, मर्चेंट नेवी एज ए कैटरिंग डिपार्टमेंट ज्वाइन करने के लिए। एंड गाइस, आपको बता दें कि प्रेजेंट टाइम CCMC कोर्स का मार्केट में बहुत अच्छा वैल्यू है, अगर आप कोर्स कर लेंगे तो आपको 99% जॉब मिल ही जाएगी। गाइस, अब बात कर लेते हैं इसकी फ़ीस स्ट्रक्चर के ऊपर। तो फीस कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है आप किस कॉलेज से कर रहे हैं। अप्रॉक्स इसकी फ़ीस 1.50 लाख टू 2.00 लाख तक रहती है। एंड गाइस, इस कोर्स को आप किसी भी DG अप्रूव्ड कॉलेज से कर सकते हैं। एंड गाइस, आप जिस भी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं तो अपने कॉलेज से प्लेसमेंट के बारे में पहले से ही डिस्कस कर लें। एंड गाइस, जब आप ट्रेनिंग कम्प्लीट करके शिप ज्वाइन करते हैं तो आप एज ए GS जनरल स्टेवर्डशिप ज्वाइन करते हैं, और धीरे धीरे आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से GS के बाद में आप कुक बनते हैं, और कुक के बाद में आप चीफ कुक बन जाते हैं। वो एक्सपीरियंस के हिसाब से आपका जो प्रमोशन है वो होता चला जाएगा। एंड गाइज, अब बात कर लेते हैं सैलरी की। तो जब आप एज ए फ्रेशर GS ज्वाइन करते हैं तो सैलरी कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस कंपनी को ज्वाइन कर रहे हैं। आप RPCL कंपनी को ज्वाइन कर रहे हैं, आप ITF ज्वाइन कर रहे हैं, अगर आप FG शिप ज्वाइन कर रहे हैं और RPCL कंपनी ज्वाइन कर रहे हैं तो आपकी सैलरी समथिंग 350-400 डॉलर तक रहेगी। अगर आप ITF कंपनी ज्वाइन कर रहे हैं तो आपकी सैलरी 400-450 डॉलर 500 डॉलर तक आपकी एज ए फ्रेशर पे, एज ए GS पे आपकी सैलरी रहेगी। एंड गाइज, एक कैंडिडेट का क्वेश्चन था कि अगर हम CCMC कोर्स कंप्लीट शिप ज्वाइन करते हैं तो हमारा लास्ट सैलरी कितने तक जाएगा। तो हम आपको बता दें, जब आप लास्ट जो आपका पोस्ट होता है चीफ कुक, जब आप चीफ कुक बन जाते हैं तो इसके बाद में अगर आप ITF कंपनी में हैं तो आपकी सैलरी इंडियन रुपीज़ के हिसाब से अप्रॉक्स 1.5 लाख तक आपकी सैलरी जा सकती है, 1.5 लाख तक आपकी सैलरी हो सकती है एज ए चीफ कुक अगर आप ITF कंपनी में हैं तो। सो गाइज, यही है, अगर आप एज ए कुक मर्चेंट नेवी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप CCMC कोर्स कर सकते हैं, वन ऑफ दी बेस्ट कोर्स है मर्चेंट नेवी को ज्वाइन करने के लिए एज ए कुक। अगर आपको खाना बनाने में इंटरेस्ट है तो आप ये कोर्स बिल्कुल कर सकते हैं, मर्चेंट नेवी को ज्वाइन कर सकते हैं, अच्छा करियर है। सो गाइज, यही था हमारा वीडियो CCMC कोर्स के ऊपर। अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक और शेयर करें, और वीडियो देखने के बाद आपके मन में कोई भी डाउट्स रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, और डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप हमें वहाँ भी SMS कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, गुड बाय, लव यू ऑल।